लेकिन पाकिस्तान के तेवर कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। अभी तक तो कुछ बेफिजूल के लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे थे, तो वही अब सोशल मीडिया पर दो लोगों के बीच में भयंकर जंग छिड़ गई है और यहाँ पर शुरू हो गया है एक महायुद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिकेट लाइन गुरु के न्यूज सेगमेंट में, आपके साथ में हूं प्रियंका। दोस्तों इस महायुद्ध के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये महायुद्ध हुआ किसके बीच में है। दरअसल टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और पाकिस्तान के फॉर्मर तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के बीच में ट्विटर पर महायुद्ध छिड़ गया है और ट्विटर पर हो रहे इस महायुद्ध ने सारी हदों को पार कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये माजरा क्या है। तो दरअसल बात ऐसी है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली बार भारत को हरा दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी लगातार टीम इंडिया और टीम इंडिया के खिलाड़ियों से अब मैदान के बाहर भी पंगा ले रहे हैं। दोस्तों इस पंगे की शुरुआत की पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने। दरअसल उन्होंने एक वीडियो के क्लिप को शेयर किया जिसमें हरभजन की चार गेंदों पर शाहिद अफरीदी छक्के लगा रहे हैं। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए मोहम्मद आमिर ने लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कैसे हो सकता है। अब भले इस ट्वीट के बाद हरभजन सिंह कहां शांत बैठने वालों में से थे और इसके बाद मोहम्मद आमिर को हरभजन सिंह ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी याद दिला दिया। इस ट्वीट में हरभजन ने आमिर को करारा जवाब देते हुए लिखा कि लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गया था, कितना दिया और किसने दिया, टेस्ट क्रिकेट है नो बॉल कैसे हो सकता है, आपको और आपके बाकी साथियों को शर्म आनी चाहिए, आपने इस खूबसूरत खेल को शर्मसार कर दिया है। दरअसल हरभजन सिंह उसी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की बात कर रहे थे जिसके बाद मोहम्मद आमिर को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। हरभजन ने इस ट्वीट के बाद ही अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वो एशिया कप के एक मैच में मोहम्मद आमिर की बॉल पर छक्का लगाते दिखे। इस वीडियो को शेयर करते हुए हरभजन ने लिखा, उन्हें इस तरह के लोगों से बात करने में गंदा लगता है। इसके साथ ही हरभजन ने एक और क्लिप भी शेयर किया जिसमें उन्होंने आमिर की गेंद पर छक्का लगा के टीम इंडिया को जीत दिलवाई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मोहम्मद आमिर ने फिर से ट्वीट किया और लिखा कि आप बड़े ही ढीठ हैं, मेरे पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि 3 दिन पहले आपको मुंह की खान पड़ी थी। अब हमें वर्ल्ड कप जीतते हुए देखो, वॉक ओवर तो नहीं मिल पाएगा, पार्क में जाकर वॉक करो। फिर दोस्तों मोहम्मद आमिर के इन ट्वीट्स को देखकर ये तो कहा जा सकता है कि मोहम्मद आमिर अपनी जीत में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि वो ये बिल्कुल भूल गए हैं कि पिछले मैचों में भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से धोया है। फिर चाहे वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो या फिर T20 फॉर्मेट का। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक आप देख रहे हैं क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।